नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक परफेक्ट सेल्स फनल होता क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आप एक एफिलिएटेड मार्केटर हैं या फिर कंटेंट मार्केटर हैं या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के एजेंसी में काम करते हैं तो आप किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स के लिए एक परफेक्ट सेल्स फनल बनाकर आप उन्हें देंगे। तो परफेक्ट सेल्स फनल होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, पूरा एग्जांपल के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो मेक श्योर गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा कंप्लीट वैल्यू आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकर आता हूं मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपके लिए एक डायग्राम बनाया है मैंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से, वो है सेल्स फनल का। मान लीजिए आपका कोई भी एक ऑफलाइन बिजनेस को एक ऑनलाइन में शिफ्ट कर रहे हैं और आपको एक परफेक्ट सेल्स फनल बनाना है अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आप कैसे बनाओगे आप इस वीडियो में आप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका एक बिजनेस मॉडल है। मान लीजिए कि आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है, यहां पर मैं बात करता हूं बिजनेस मॉडल की बात करता हूं। ये देखिए, ये आपका एक बिजनेस मॉडल है। उस बिजनेस मॉडल को रन करने के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी जहां पर आप अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे, यानी कि क्वालिटी ट्रैफिक की हम बात करते हैं। तो क्वालिटी ट्रैफिक कहां से लाएंगे आप अपने वेबसाइट पे? तो जाहिर सी बात है कि आप एक फेसबुक ऐड रन करेंगे, इंस्टाग्राम ऐड रन करेंगे और आप गूगल एड्स को रन करेंगे। जाहिर सी बात है कि आज के डेट में एआई टूल इतना ज़्यादा बूम कर रहा है जिसकी वजह से आप एआई टूल की मदद से आप चैट जीपीटी की मदद से ऐड कॉपी लिखवा सकते हैं। आप अपने ऐड कॉपी को बहुत बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और कैनवा की मदद से आप टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि आपको एआई टूल आपकी मदद करती है ऐड कॉपी को क्रिएट करने में। उसके बाद बात करते हैं कि फेसबुक ऐड में जब हम पिक्सल ट्रैकिंग कोड को हम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद में वो हमें अपने ऑडियंस को यानी कि ट्रैफिक को ट्रैक करने में काफ़ी मदद करती है, तो इंस्टाग्राम का भी सेम फॉर्मेट है, ऐड कॉपी हम बनाएंगे चैट जीपीटी से और ये सारी चीज़ें। उसके बाद में गूगल का भी फॉर्मेट सेम रहेगा, हमारे केस में चैट जीपीटी की मदद से हम एआई टूल की मदद से ऐड कॉपी लिखेंगे, बनाएंगे और वो सारा डेटा हम चैट जीपीटी की मदद से हम लेने वाले हैं। गूगल का भी जब हम ऐड रन करेंगे तो जाहिर सी बात है गूगल का ट्रैकिंग कोड हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप मान के चलिए कि आपने एक बिजनेस को रन करने के लिए यानी कि ट्रैफिक क्वालिटी ट्रैफिक को लाने के लिए आपने फेसबुक इंस्टाग्राम और गूगल पे ऐड रन किया और उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कहाँ किया आपने, ये सेल्स पेज पे, यानी कि ये हमारा लैंडिंग पेज है जहाँ पर हमारा एक सेल्स पेज बना हुआ है, उसी को लीड कैप्चर पेज भी लगा हुआ है, यानी कि लीड कैप्चर फॉर्म यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं इसी लीड कैप्चर की बात करते हैं, मैं इसकी साइज को थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज करता हूँ। तो ये देखिए लीड कैप्चर हमारा ये पेज आ गया। लीड कैप्चर अब कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, सारा का सारा बिजनेस फनल यहीं पे छुपा हुआ है और किसी भी एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए ये थ्योरी बहुत काम आती है जो मैं अपने बिजनेस में इंक्लूड करता हूँ और इसमें मैं इसी को फॉलो करता हूँ, इसी रूल को, जो हमें एक बहुत बढ़िया रिजल्ट देता। लीड कैप्चर पेज जो हमारा एक लैंडिंग पेज होता है, हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए हमारे पास में जो पेज होती है, फाइनल पेज होती है, लैंडिंग पेज, वहाँ पे हमारा लीड कैप्चर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उस लीड कैप्चर को किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल्स के साथ में इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एवाइवर हो गया, मेलचीप हो गया, एक्टिव कैंपेनियन हो गया, इस तरीके किसी भी आप ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम .io के साथ में कर सकते हैं। और आप जब अपने ट्रैफिक को डाइवर्ट करके लेकर आते हैं फेसबुक से, गूगल से, इंस्टाग्राम से ट्रैफिक लेकर आते हैं आप अपने लैंडिंग पेज पर और वहाँ पर जब वो कोई भी इंटरेस्टेड जो हमारा ट्रैफिक होता है जो हमारे लैंडिंग पेज पर आता है, अगर किसी ने उसको साइन अप फॉर्म भर दिया, जो भी आप अपने ऑफर को दे रहे हैं कस्टमर को, अगर उसने ऑफर को पे इंटरेस्टेड हैं तो उसने अपना लीड फॉर्म भरेगा, नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो आपने उनका जो लीड कैप्चर किया उसको ईमेल मार्केटिंग किसी भी टूल के साथ में आप उसको इंटीग्रेट करना होगा और उस ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर सकते हैं फॉरएवर, यानी कि लंबे समय तक आप उसको रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। अब देखिए सारा का सारा बिजनेस यहाँ पे कैसे छुपा हुआ है कि जब वो लैंडिंग पेज पे कुछ कस्टमर्स, मान लीजिए कि 100 कस्टमर्स आते हैं आपके लैंडिंग पेज पे, 100 में से मान लीजिए कि 20% कन्वर्ट होता है, आपको वो अपना ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना डिटेल्स फॉर्म भरता है और फॉर्म भरने के बाद में वो आपको डिटेल्स देता है क्योंकि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन आपके 80% जो लोग हैं वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं
आप उनको कैसे नर्चर करेंगे, कैसे आप उनको अपने कन्वर्ट करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के, अपने प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट पैदा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मान लीजिए हम दोनों बातें करते हैं, मान लीजिए कि 20 लोगों ने आपको ईमेल दिया, ईमेल देने के बाद में वो आपके कस्टमर बने। अब वो प्रोसेस क्या होता है, अब वो हमारा जो, मान लीजिए कि ये जो हम लीड दिया इंटरेस्टेड हैं, अगर लीड जाने के बाद वहाँ पे आप जब वो फॉर्म भरेगा तो जाहिर सी बात सबमिट बटन पे जब वो क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा ऑर्डर पेज पे। ऑर्डर पेज पे अगर वो इंटरेस्ट दिखाए आपके प्रोडक्ट का, जो भी वैल्यू है, अगर उसको पसंद आया तो उसको परचेज करेगा, बाई करेगा, जाहिर सी बात है बाई करने का, तो पेमेंट करेगा, पेमेंट गेटवे आपका यहाँ पे लगा होगा रेजर पे या पेमेंट गेटवे के द्वारा आपको वो पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद में वो रीडायरेक्ट हो जाएगा थैंक यू पेज पे, और थैंक यू पे से रीडायरेक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट एक्सेस करेगा जो भी आप उसको ऑफर दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्रोजेक्ट हो, ऑनलाइन कोर्सेज हो, या फिर ऑनलाइन किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें एक्सेस आप दे सकते हैं, या फिर ऑफलाइन का कोई प्रोडक्ट है तो आप उनको शिप करोगे, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से आपका एक कस्टमर बन गया। अब वो कस्टमर बन जा गया है तो लीड आपका, उसका लीड आपके पास में आ गया, जो ऑटोमेटिक लीड फॉर्म भरने के बाद में वो आ गया आपके ईमेल ऑटोमेशन के लिए। अब आपका ईमेल ऑटोमेशन फनल किस तरीके से काम करता है इसको अभी हम समझते हैं। अब उसने एक प्रोडक्ट तो बाई कर लिया जो कि लो कॉस्ट की प्रोडक्ट होगी, अब उसको आप मीड कॉस्ट की प्रोडक्ट आप उनको ऑफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो 1000 रुपये का कोई सी प्रोडक्ट ने उसने खरीद लिया, अब आप उसको 3500-4000 का एक प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, $47 का प्रोडक्ट कर सकते हैं एक महीने के बाद में। उसको वीकली आपको ईमेल भेजना पड़ेगा और उसमें वैल्यू होगी, और लास्ट की ईमेल्स में उसको आपको देना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ेगा। ये आप इसको कहलाते हैं सोप ओपेरा सीक्वेंस ईमेल ऑटोमेशन। यहाँ पे कहते हैं सोप ओपेरा सीक्वेंस, जहाँ पर आपको ईमेल लिखने होते हैं, वीकली ईमेल्स होते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने से पहले की जो स्टोरी टेलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द सोप ओपेरा सीक्वेंस ईमेल। तो सोप ओपेरा सीक्वेंस ईमेल के माध्यम से वीकली आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, वीकली आप उनको वैल्यू देंगे, और लास्ट ईमेल में आप उनका एक प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं। मे बी अगर उसने इंटरेस्ट दिखाया तो वो एक पहले ऑलरेडी आपके पास में लॉयल कस्टमर वो बन चुका है, चूंकि 1000 रुपये के उसने प्रोडक्ट खरीद चुका है, आप उसको 4000 का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे 8000 का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करके, और फिर आप उनको 12000-15000 का प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं $47, $97 and $147। ये एक थ्योरी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग में। यानी कि सोप ओपेरा सीक्वेंस ईमेल के माध्यम से आप उनको वैल्यू देते रहिए, आप प्रोडक्ट सेल करते रहिए, तो आपको हर बार ऐड रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो फेसबुक पे या फिर आपको गूगल एड्स पे। आपने एक बार आपके पास में लॉयल कस्टमर बन गया तो जाहिर सी बात है आप उनको देर सवेर वापस से आप उनको भेजते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू लेडर। इसी को कहते हैं जहां पर आपको उनको पहले लो कॉस्ट की प्रोडक्ट सेल करेंगे, फिर मीड, फिर हाई एंड हाई। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, जो कस्टमर एग्जिट कर गया, मान लीजिए कि लीड कैप्चर नहीं दिया, उन्होंने अपने आपको डिटेल्स नहीं भरी, फॉर्म नहीं भरा, उस कस्टमर को आप क्या करेंगे, आप उनको रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और गूगल एड्स में ये प्रिविलेज हैं उन एडवर्टाइजर के लिए जो अपने ट्रैफिक को रीमार्केट कर सकता है, रीटारगेट कर सकता है। जैसे कि आपको एक दिन की ऑडियंस, मान लीजिए कि आपके वेबसाइट पे 24 घंटे में जितने भी ऑडियंस आए हैं, उन ऑडियंस को आप वापस से अपने ऐड दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एक ऑडियंस बनानी पड़ेगी। ये दैट इज़ कॉल्ड द फेसबुक फनल और गूगल एड्स फनल। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था, बहुत देर मुझे पता चला, जब मैं इसके अंदर डीप इनसाइड गया तब जाके मुझे रिजल्ट आने लगा, वरना मैंने भी पैसे बहुत जलाए हैं फनल को सीखने में, समझने में। और अब ये है कि वहाँ पे ऑडियंस क्रिएट करना पड़ेगा, वन डे ऑडियंस, कि एक दिन में आपको जो भी ऑडियंस आए आप उनको एक ऑफर दे सकते हैं, कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये के हैं तो आप उनको 500 रुपये का ऑफर दे सकते हैं, ओनली फॉर वैलिड 24 आवर के लिए। तो ऑडियंस बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर आपको इसी ऑडियंस को ऐड दिखाना है। उसके बाद में आप टारगेट कर सकते हैं कि 14 डेज का, 14 दिन के अंदर आपके वेबसाइट पर जितने भी ऑडियंस आए हैं उनको आप अपना ऐड दिखा सकते हैं, 30 डेज में जो वेबसाइट पर आए हैं उनको आप ऐड दिखा सकते हैं, और 90 डेज को भी दिखा सकते हैं, और 180 डेज को भी दिखा सकते हैं। यानी कि आपके वेबसाइट पे 3 महीने के अंदर ये जो आए हैं, या 6 मंथ के अंदर जितने भी ट्रैफिक जनरेट हुए हैं आपके साइट पे, आप उन सभी को आप अपना ऑफर दिखा सकते हैं, आप उनको रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे आपने
आपने कोई ऐड देखा होगा और वो एड्स आपको बार बार दिखता रहता है, क्योंकि एक ऐड फ्रीक्वेंसी भी होता है जहां पर अगर किसी बंदे की ऐड को अगर आपने 30 सेकेंड, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड देख लिया, तो हमें ये प्रिविलेज फेसबुक और गूगल एड्स दोनों देती है कि जिस बंदे ने आपके ऐड को 5 सेकेंड से ज़्यादा देख लिया, आप उनको भी रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं, मतलब कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आप उनको ट्रैक कर सकते हो ऐड के माध्यम से। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा फनल काम करता है और ये आपको ये प्रिविलेज मिलती है रीमार्केट करने का, रीटारगेट करने का, और आप उनको चेज करके वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं आपको अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कस्टमर एग्जिस्ट कर गया आप उनको चेज कर सकते हो, और जो कस्टमर ऑलरेडी आपके कस्टमर बन चुके हैं आप उनको ईमेल के माध्यम से आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। वैल्यू देते रहिए, प्रोडक्ट सेल करते रहिए, आपको ट्रैफिक बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से पूरा का पूरा ये फनल काम करता है। जैसा कि देखिए गूगल एड्स में भी आपका यही सिस्टम है कि गूगल एड ट्रैकिंग कोड्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं, सेल अगेन एंड अगेन हम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये पूरा का पूरा जो सेल्स फनल का जो प्रोसेस है इसी तरीके से काम करता है, इसी तरीके से मैं खुद भी काम करता हूँ। अगर किसी मार्केटर को या किसी स्मॉल बिजनेस ओनर को इस तरीके की फनल अगर बनवाना हो तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उनके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं उनके लिए सेल्स फनल बना सकता हूँ, मैं उनके लिए फेसबुक एड रन कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में उनकी हेल्प आउट कर सकता हूँ, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए गूगल एड्स में परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर सकता हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जहाँ पे हम ये सारे के सारे जो भी टिप्स और ट्रिक हैं वो सारे के सारे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा फनल काम करता है इकोसिस्टम के तौर पे, कि ताकि आप एक अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आप हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक लीड कैप्चर करने में किसी किसी पर्सन को 250-300 रुपये पर लीड पड़ता है कैप्चर करने में, कई बार अब वो लीड इंटरेस्टेड नहीं होते हैं प्रोडक्ट को बाई करने के लिए, तो उस लीड को आप क्या करेंगे, आप उनको डिफरेंट अलग तरीके का आप उनको प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप उनको एड कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं, आप उनको रीटारगेट करके रीमार्केट करके आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि आप कैसे बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो। जब मैं शुरुआती तौर पर जब मैं काम सीख रहा था तो मुझे भी अच्छे रिजल्ट नहीं आते थे, लेकिन जब मैंने का सारा काम इसका फनल सिस्टम तरीके से मैंने जब काम करना शुरू किया तो मुझे रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। और ये पूरा का पूरा सेल्स फनल का प्रोसेस यही है कि आप कैसे सेल करते हो, कैसे सेल आउट करते हो, ये फेसबुक मार्केटिंग फनल यही है, गूगल मार्केटिंग फनल यही है, और सेल्स फनल का भी यही होता है। क्योंकि सेल्स फनल का प्रोसेस में हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम कोई भी एड दिखाते हैं तो उसमें भी 3 लेवल का एक फनल बनता है, कि टॉप फनल है, मिड फनल है, और नीचे का एक बॉटम फनल है। टॉप फनल वो काम करता है जहाँ पे हम किसी ब्रांड एंड को अवेयरनेस को हम अगर क्रिएट कर रहे हैं तो हम उनको अवेयर करते हैं, उसके बाद उनको इंटरेस्ट में लेकर आते हैं, इंटरेस्ट लेने के बाद में हम उनको डिज़ायर में कन्वर्ट करते हैं, और डिज़ायर के बाद हम उनको कन्वर्जन में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सेल्स फनल। तो पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग में और ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जो बिगनर होते हैं ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्प आउट मिलेगी। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके कंटेंट लेकर आता रहूँगा और आपको हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करता रहूँ। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।